जो कमेंट्री आई है, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को आज दिस मॉर्निंग? अजय गुड मॉर्निंग। देखिए जो फेड में कल हमने देखा है, फेड में हमने कल फेड की मिनट्स देखी हैं अजय, और एक गौर करने वाली बात यह है कि भाई फेड की मिनट्स हैं, फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, फेड की जेरोम पाल साहब ने उसके बाद अपनी स्पीच भी दी थी, तो उस समय मार्केट नर्वस नहीं हुआ, और फेड की जब मीटिंग्स आए तो फेड नर्वस क्यों हो गया? ऐसा क्या नया निकला है? आई थिंक समय बदल चुका है। समय इसलिए बदल चुका है बिकॉज जब फेड ने अपनी कॉमेंट्री दी थी उस समय ओमिक्रॉन वायरस की स्थिति अलग थी, सप्लाई चेन और एनर्जी के जो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स थे वह डिफरेंट थे। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट इस बात से थोड़ा सा नर्वस नहीं है, मगर इस बात से एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि क्या अब फेड, जो कि हर बार एक इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल उनकी प्रायोरिटी है, और क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस के स्प्रेड की वजह से हम देख रहे हैं सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट बढ़ती जा रही हैं, क्या फेड जो है अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन कर सकता है? देखिए एक बात फेड ने स्पष्ट करी है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को या ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगे, मगर एक चीज़ है जिस पे फेड कंटिन्यूस रॉन्ग जा रहा है वह इन्फ्लेशन, और यह पकड़ने में कि उनका कि यूएस इकोनॉमी का क्या रुख रहेगा। तो इन दो फैक्टरों को अगर आप मिलाएं, फेड की कमेंट्री जो दिसंबर में थी मगर अब जनवरी में स्थिति बदल चुकी है, और अगर आप उसको आगे बढ़ाएं इम्पैक्ट को लेकर के, तो क्या फेड इस समय जल्दी टाइटनिंग करेगा? तो ट्रेड क्या बनती है सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बनाते हैं जी, लिक्विडिटी टाइट होगी तो उसका क्या असर एफआई फ्लोस पे पड़ेगा, एक ये धारणा है, मगर हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इसका असर शॉर्ट टर्म में पड़ता है, लॉन्ग टर्म में नहीं मिल पड़ता है। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चेंज एलोकेशन में आने वाला है, मगर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स अगर ऊपर जाती हैं तो इसका प्रभाव हाई पी स्टॉक्स को पड़ सकता है। तो हो सकता है कि नैसडैक आने वाले दिनों में S&P को अंडर परफॉर्म करे, हिंदुस्तान के अंदर भी जो हाई पी मल्टीपल के स्टॉक्स हैं, ये कई दिनों से मैं बता रहा हूँ बात, जिन स्टॉक से पी मल्टीपल 70-80-100 के ऊपर है उस कैटेगरी को इस समय अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि पी कंप्रेशन का मार्केट में स्टेज आएगा, हमने दिसंबर में भी देखा था मार्केट में पी कंप्रेशन हुआ था 10% का, और आप देखें तो इस रिकवरी के अंदर हमने कई महंगे पी स्टॉक्स देखे हैं, ऐसी कंपनियां देखी हैं जो रिकवर नहीं करी हैं। तो पी कंप्रेशन इन एक्सपेंसिव स्टॉक्स आई थिंक इज अ थीम फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अकॉर्डिंग टू मी। निकुंज गुड मॉर्निंग। आज जो मिनट्स जारी हुए हैं फिर उसका रिएक्शन आपसे आज इंडियन मार्केट्स पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में और ग्लोबल बाजारों में तो इसका असर दिखा है, कल हम 17,800 के पार भी निकल गए थे, तो क्या अब जिस तरह के रिएक्शन दिख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पर असर पड़ रहा है, क्या भारतीय बाजार भी आज 17,800 के नीचे फिसल सकता है? मुझे 4 दिन से आप लगातार ऊपर गए हैं तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस समय वॉरंटेड है, मगर प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो क्या वो ट्रेंड बनेगा या फिर मार्केट में इस समय हम चेंज ऑफ गार्ड देख सकते हैं? कल अभी रुद्रमूर्ति साहब भी बोल रहे थे कि कल आईटी इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं करा, आईटी के नंबर्स 10 तारीख से आने आने वाले हैं, आईटी के स्टॉक्स दिसंबर के अंदर आईटी इंडेक्स करीब करीब 10% ऊपर था, उनकी री रेटिंग हुई थी एक्सेंचर के नंबरों के बाद, तो क्या इस समय मार्केट में एक प्रकार का ट्रेड आ रहा है, सेल आईटी एंड बाय बैंक्स, क्या एक वह ट्रेड हो सकता है? क्या नतीजे अच्छे नतीजे के बावजूद स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं TCS इंफोसिस विप्रो के? हो सकता है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव फैक्ट रन अप वेरी स्मार्टली इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड अर्ली जनवरी, तो यह ट्रेड एक मुझे लगता है कि ज़रूर उस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा हमने शुगर की बात करी थी कि शुगर में नज़र रखिए, 2 दिन से शुगर स्टॉक्स में उछाल आ रहा है, अब मैं बोलूँगा मेटल्स पर नज़र रखिए, तकनीकी तौर पर भी हमारे सब विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मेटल्स के अंदर एक प्रकार का टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मगर जो मेरे हिसाब से स्विंग फैक्टर है वह स्टील स्टॉक्स में रहेगा। चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि वह स्टील का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर चाइना स्टील का एक्सपोर्ट नहीं करती है तो इसका सीधा प्रभाव ग्लोबल स्टील प्राइसेस पे पड़ेगा। चाइना इज़ अ बिग प्रोड्यूसर,
भले वो एनवायरनमेंट हो, भले वो वैल्यूडेशन हो, चाइना ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप चाइना से स्टील एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी. तो जाहिर है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स नाउ विल बी गेटिंग अ ह्यूज बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट. तो मुझे लगता है कि स्टील स्टॉक्स के अंदर जो हमने एक वी शेप रैली देखी थी, शायद वो और चले. सेल पे ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि मार्च से पहले सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स पूरे करने हैं. BPCL तो अब खटाई में है मामला, IDBI बैंक में कुछ हुआ नहीं है. तो छोटे छोटे जो डिसइन्वेस्टमेंट्स होंगे, मुझे लगता है उनके अंदर कुछ काम हो सकता है. और भारत सरकार पहले भी कह चुकी है कि सेल के कुछ प्लांट्स हैं जो वो डाइवेस्ट करना चाहती है. अगर डाइवेस्टमेंट प्रक्रिया तेजी पकड़ती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सेल के अंदर कुछ कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिले. निकुंज, गुड मॉर्निंग. आपने पहले बैंक्स कहा, बैंक्स चले. कल आपने इंश्योरेंस के बारे में बोला, कल ज़्यादातर इंश्योरेंस की कंपनीज तेज थी. आज आप कह रहे हैं कि मेटल्स चल सकता है, रीज़न भी आपने बता दिया चाइना वाला, तो हो सकता है मेटल्स भी चले. लेकिन छोटे छोटे पॉकेट्स में निकुंज काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्ले कर रहे हैं. जैसे आपने पहले शुगर देखा, कल फर्टिलाइजर शेयर्स काफ़ी तेज थे. ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में कुछ और ऐसी ब्रैकेट्स हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं कि हाँ ये भी चल सकता है, क्योंकि इनका एक सडन राइज जो होता है वो 10-10, 15-15% का होता है. डिम्पी, जब बैंक जैसा बड़ा सेक्टर चल रहा है तो छोटा हो या बड़ा हो आपको बैंक्स पे फोकस रखना चाहिए. जब मेटल्स जैसा एक बड़ा सेक्टर वापस आ रहा है, छोटा या बड़ा हो, आपको मेटल कंपनीज पे नज़र रखनी चाहिए. डिम्पी, शेयर बाज़ार के अंदर 5,500 लिस्टेड स्टॉक्स है. हमारा प्रयत्न हमारे व्यूअर्स के साथ वही रहता है कि हम एक फोकस्ड राय दें. तो जो आप कह रहे हैं एकदम सही है कि छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर भी हम तेज़ी देखने को मिल रहे हैं. तो कोई खास छोटा सेक्टर तो मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, मगर टेक्सटाइल इज़ वन सेक्टर जहां मुझे लगता है कि अभी भी द बेस्ट इज़ नॉट बिहाइंड अस. स्पेशली उन कंपनीज पे नज़र रखिए जो कि इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, जो कि यार्न, स्पिनिंग और फैब्रिक, जो कंपनीज इन पूरे से एसोसिएटेड है, उन कंपनियों पे ज़रूर नज़र रखिए. फैशन रिटेल, मुझे लगता है अगर आप आसपास देखें तो आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी तरह से पकड़ चुकी है. स्मॉल टाउन्स के अंदर फैशन की डिमांड आ रही है, अभी सेल चल रही है कई ब्रांड्स के अंदर. द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिमांड, द प्रॉब्लम इज़ सप्लाई. तो सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ मुझे लगता है कि फैशन रिटेल पे भी नज़र रखनी चाहिए, जो कि आदित्य बिरला फैशन हो गया, अरविंद फैशन हो गए, एक सेक्टर अच्छा लगता है. मगर टू स्टार्ट विथ, लुक एट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर्स, मुझे लगता है कि उनके अंदर अभी थोड़ा जूस बाकी है. निकुंज, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. बैंक